टीटीडीसी की प्रॉपर्टी ना समुद्र के एकदम किनारे पे ही है। ये देखो, ये होटल की बाउंड्री है, उसके बाहर ही समुद्र, मतलब बीच में एक रोड है और सामने सी। चाय पीते पीते ना डेटा कॉपी का काम मैं स्टार्ट कर ही देता हूँ, अच्छा रहेगा, और कुछ देर में नाश्ता भी कर लेंगे। अभी नाश्ता ऑलरेडी यहाँ स्टार्ट हो गया, 7:30 ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो जाता है और चाय यहाँ पर 6:30 को मिलनी स्टार्ट हो जाती है। हम लोग कन्याकुमारी गए थे, वहाँ भी मैंने देखा था 6:30 टी, 7:30 से ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट यहाँ पर रूम टैरिफ के अंदर इंक्लूड रहता है। ये बड़ा सा हॉल है तो काफ़ी लोग तो ऑलरेडी पहुँचे हुए नाश्ता करने के लिए। कॉफ़ी? अच्छा कॉफ़ी दे। मैंने देखा पोंगल में काली मिर्च और जीरा की ना फुल लोडिंग होती है, टेस्ट अच्छा है, गुड। दो ढाई घंटे जो भी हम रुके हैं ना रेस्टोरेंट में, ये सोच कर कि नाश्ता भी कर लेंगे, चाय भी पी लेंगे और डेटा भी कॉपी कर लेंगे, इनमें से सिर्फ नाश्ता ही हो पाया है। डेटा कॉपी का काम, स्पेशली मेरा आईफोन डेटा, तो बहुत मेरे को आज तकलीफ हुई है उसकी, उसको ट्रांसफ़र करने में, और काम फिर भी नहीं हुआ। ये रूम है, मैंने वैसे वीज़ा टू एक्सप्लोर के एपिसोड में रूम भी दिखाया था, जो पिछला एपिसोड हमने एंड किया ना। दिक्कत है यार, खुल नहीं रहा, तो इधर से चले जाते हैं। ये है जी बैल्कनी, मस्त लग रहा है ना, बहुत खूब। टीटीडीसी रामेश्वरम की लोकेशन बहुत अच्छी है, आप टेंपल से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही हो। अभी तक जो आपने देखा इससे आपको आइडिया लग गया हमारे दिन की शुरुआत कैसी हुई है। अब आप देखेंगे हम टेंपल विजिट करने के लिए जा रहे हैं, समथिंग लाइक अ डे इन रामेश्वरम। नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय मैं रामेश्वरम में हूं। टेंपल तो एक्चुअली हम थोड़ी देर बाद विजिट करेंगे, सबसे पहले यहां पर हम 22 कुंड में स्नान करने वाले हैं। अभी मैं अग्नि तीर्थम के पास ही खड़ा हूं। आप यहां पर समुद्र किनारे जितने लोगों को स्नान करते देख रहे हैं ना, सब अग्नि तीर्थम में स्नान कर रहे हैं। इस जगह को अग्नि तीर्थ कहते हैं। सुबह 5:30 बजे लोग स्नान करना स्टार्ट कर देते हैं, दिन भर स्नान करते हैं। तो पहले मैं समुद्र में स्नान कर लेता हूं, बेसिकली अग्नि तीर्थ में स्नान कर लेता हूं, फिर हम अंदर की ओर चलेंगे। जिस जगह से मैं अभी अंदर गया ना, नीचे छोटी छोटी रॉक्स थी, तो मेरे को पाँव में लगने से ना थोड़ा सा चोट सी आ गई है, लेकिन दैट्स ओके। फिर मैं वॉक करते करते उस पार चला गया तो वहाँ सही था। तो ज़्यादा भीड़ जहाँ पर है ना, वहाँ पर सैंडी साइड है, तो इसीलिए ज़्यादा लोग वहाँ पर स्नान कर रहे हैं। अब हम टेंपल की ओर चलते हैं, नॉर्थ गेट से हम एंटर करेंगे और वहाँ पर अपना मोबाइल और कैमरा बाहर छोड़ देंगे। अस्थि विसर्जन और पिंडदान के लिए जैसे लोग हरिद्वार जाते हैं ना, ऐसे रामेश्वरम भी आते हैं। आपके पास मोबाइल फोन, पर्स या कैमरा है तो लॉकर में रखना पड़ेगा, तो चाहे तो प्राइवेट लॉकर में रख लो, या गवर्नमेंट लॉकर में रखना है तो ईस्ट साइड गेट से टेंपल के अंदर चले जाओ, वहाँ आप लॉकर में रख दो। हमारे केस में क्या है, गाड़ी के जो ड्राइवर हैं वो इधर ही हैं, तो मैं उनको अपना माइक्रोफोन, कैमरा और मोबाइल छोड़ के चला जाऊँगा, मतलब वो हमारे लिए बेटर रहेगा। सामने आप नॉर्थ गेट का गोपुरम देख रहे हैं, तो इस गेट से हम अंदर जा रहे हैं। बाईस कुंड में स्नान करके अब हम ना साउथ गेट से बाहर की तरफ आ चुके हैं। सामने आप गोपुरम देख रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूं अंदर कैसा रहा। अंदर ना 22 कुएं, पहले मेरे को ऐसा लग रहा था 21+1 टोटल, अब है कि समझ आया मेरे को 1+22, 1 तो हो गया अग्नि तीर्थम और 22 कुएं अंदर हैं। हर कुएं का जो नाम है ना किसी देवी देवता के नाम पे है, तो वहाँ पर
एक पर्सन खड़ा होता है वो कुएं से बाल्टी पानी निकाल निकाल के, अब मान लो 7-8 लोग खड़े हैं सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा जल का छिड़काव करते हैं, तो मैंने रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने मुझे इस बॉटल में थोड़ा सा पानी फिल करके दे दिया। तो ऐसा करते करते मैंने 22 कुएं का जल इस बॉटल में लिया, ये मैं अपने घर साथ ले जाऊंगा। 22 कुंड का जल साथ लेकर आना उतना आसान काम नहीं है जितनी सरलता से अभी मैंने आपको बता दिया। गाइड अगर आपके साथ है तो पॉसिबल है। वैसे बेटर ऑप्शन ये है कि कोड़ी तीर्थम का जल यहाँ पर मिलता है, सील्ड पैक बॉटल रहती है, वो आप अपने साथ ले जाइए, कैरी करने को भी आसान रहेगा। तो मैं थोड़ा डबल माइंड हो रहा था पहले कि टेम्पल में दर्शन करने हम 3:30 बजे जाएं या अभी कर लें, क्योंकि हमारे पास अब 1 घंटे का टाइम है, 12:30 बजे का टाइम है, लेकिन 1:15 तक टेम्पल क्लोज हो जाता है। फिर हमने डिसाइड किया एक काम करते हैं, होटल हमारा पास ही है, होटल चल के फटाफट कपड़े चेंज कर लेते हैं और अभी ही दर्शन करने आ जाते हैं। अभी हम श्री रामनाथ स्वामी टेम्पल विजिट करके बाहर की ओर आ गए हैं। इस समय मैं ईस्ट गेट के बाहर खड़ा हूँ, टेम्पल के अंदर भी मैं ईस्ट गेट से ही गया था। सामने आप राज गोपुरम देख रहे हैं ना, टेम्पल के अंदर जाने जब आप जाएंगे ना, 4 गेट से जा सकते हैं और चारों तरफ गोपुरम है, जिनमें राज गोपुरम सबसे ज़्यादा टॉल है और आपको ऊपर 9 कलश दिखाई दे रहे हैं, बाकी गोपुरम के ऊपर 9 कलश नहीं है, कम है। अब मैं आपको बताता हूँ, जब मैं ईस्ट गेट से अंदर गया तो मैंने सबसे पहले पूंछ कटी हनुमान जी के दर्शन करे। हनुमान जी की जो मूर्ति है वो लगभग 16 फीट ऊंची है, लेकिन 16 फीट में से 8 फीट ज़मीन के नीचे और 8 फीट ज़मीन के ऊपर। पूंछ कटी हनुमान जी के जिस गर्भगृह में हमने दर्शन करे, वहीं पर साथ में हमने एक शिवलिंग के दर्शन करे। काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं या काफ़ी लोगों को ऐसा मालूम है कि हनुमान जी जब हिमालय की तरफ गए थे शिवलिंग लाने के लिए, तो वो एक शिवलिंग लेकर आए थे, लेकिन एक्चुअल में मुझे यहाँ पर आके मालूम चला हनुमान जी 2 शिवलिंग लेकर आए थे। तो एक के दर्शन तो हमने पूंछ कटी हनुमान जी की मूर्ति के साथ ही कर लिए, दूसरे शिवलिंग के दर्शन हमने मेन शिवलिंग के साथ करे। मैंने नोटिस किया कि दर्शन लगभग 25 फुट डिस्टेंस से होते हैं, 25 फीट के आसपास, और अंदर किसी भी प्रकार की आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल नहीं है, तो वहाँ दिए की रोशनी होती है जिससे आप दर्शन करते हैं 25 फुट दूर से। और इस स्थान की कथा कुछ इस तरह से है कि भगवान राम ने जब लंका पे विजय पाई, रावण का वध किया और वो लौटकर इस जगह आए, तो यहाँ पर आने के बाद उनको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मुझे ब्रह्म हत्या का दोष लगा है। एक तो रावण ब्राह्मण था, दूसरा बात रावण शिव भक्त भी था, तो इस वजह से भगवान राम ने चाहा कि हम भगवान शिव की यहाँ पर पूजा करें। तो हनुमान जी को उन्होंने हिमालय पर भेजा कि आप वहाँ से शिवलिंग लेकर आइए। अगस्त्य मुनि जी ने भगवान राम और सीता माता से कहा कि शिव जी का पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, तो आप एक काम करिए, यहाँ पर बालू से शिवलिंग बनाइए। तो सीता माता ने यहाँ पर बालू से शिवलिंग बनाया और भगवान राम ने उस शिवलिंग पे अभिषेक किया। अब बालू से बना हुआ शिवलिंग में जैसे आप अभिषेक करेंगे तो शिवलिंग गिर जाएगा, क्योंकि वो बालू से बना है, लेकिन जैसे ही अभिषेक हुआ उसके बाद वो शिवलिंग रॉक में कन्वर्ट हो गया, यानी उसने पत्थर की शेप ले ली, पत्थर जैसा स्ट्रक्चर हो गया। तो वो समय है और आज का समय है, यहाँ पर हम श्री रामनाथ स्वामी के दर्शन करने आते हैं और इस जगह का नाम रामेश्वरम है, राम के ईश्वर, रामेश्वरम। अब अंदर हमने जब मेन शिवलिंग के दर्शन कर लिए, तो उसी के साथ में हमने एक और शिवलिंग के दर्शन करे जो हनुमान जी लेकर आए थे, सेकंड शिवलिंग, वो दर्शन करे। साथ में हमने अम्बल माता जी के दर्शन करें, बेसिकली तमिल में पार्वती माता को इस जगह माँ अम्बल के नाम से बुलाया जाता है। भगवान विष्णु के हमने जो पेरुमल अवतार में दर्शन करे वो सयन मुद्रा में थे, तो लॉर्ड विष्णु ऐसा लेटे हुए हैं और उनके पेरुमल अवतार में दर्शन है। साथ में हमने और अनेक देवी देवताओं के यहाँ पर दर्शन करे, जिनमें अष्टलक्ष्मी थी, माँ पार्वती के अलग अलग रूप थे। साथ में अब अगर मैं टेंपल के आर्किटेक्चर की बात करूं, गर्भगृह के बाहर की तरफ ना, मैं जो पिलर्स देख रहा था उनको देख के मैं अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कितने प्राचीन होंगे, तो अब कह पाना मुश्किल है, बट लेकिन इतना अंदाजा हुआ कि काफी सेंचुरीज पुराने वो पिलर्स रहे होंगे।
स्पेशली मेरी नज़र ऊपर की तरफ जा रही थी जहाँ पर लायन की शेप में बहुत सारी आकृति थी जो ऑब्वियसली उन पिलर्स का ही पार्ट थी, उनमें से कुछ शेप्स मेरे को ड्रैगन जैसी लग रही थी। तो मैं हैरान था ड्रैगन की शेप यहाँ पर क्यों है, जिसका आंसर मुझे समझ में नहीं आया। एनीवेज ये सब देख लेने के बाद हम लोग थोड़ा बाहर की तरफ गए और हमने वो वर्ल्ड फेमस कॉरिडोर विजिट किया और कॉरिडोर को एकदम डिटेल में घूमा पूरा घूमकर। अब ये कॉरिडोर की खास बात क्या है, टोटल इसमें 1212 पिलर्स हैं और हाइट है लगभग 22 फुट और विड्थ इस कॉरिडोर की है 7.5 फीट। बहुत बढ़िया, चलो एक काम करते हैं आप थोड़ा सी साइड चलते हैं और आपको यहाँ मंदिर से जुड़ी हुई एक दो कथाएँ और बताते हैं। आमतौर पे हम किसी मंदिर को विजिट करने जाते हैं या किसी रिलीजियस प्लेस में जाते हैं तो दर्शन कर लेने के बाद हमको होता है कि चलो अभी हम घूमने चले जाएं, जो वहाँ का लोकल साइट सींग है। ऑब्वियसली मेरे को भी वैसे ही लग रहा है, लेकिन मेरे मन में है कि रामेश्वरम से चलने से पहले मैं यहाँ पर दर्शन करने एक बार दोबारा आऊँगा, ऐसा मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा है, तो आज शाम को नहीं तो कल। अब बात करते हैं कुछ चीज़ें फूड फॉर थॉट। आप सब जानते हैं स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी गए थे तो रामेश्वरम भी आए थे। अब सोचने की बात यह है वो यहाँ पर कैसे आए, वो बोट में बैठकर आए, फिर स्वामी विवेकानंद ने जो स्नान किया इन्हीं 22 कुंड में किया या वो 22 कुंड कोई और थे, तो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। काफ़ी लोगों से अंदर बात कर लेने के बाद आप अपने इनपुट कमेंट में शेयर कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि आज से 100, 200, 500 साल पहले इस स्थान पर जो 22 कुंड आज की डेट में है ये कुंड नहीं थे, पहले ये कुंड थे यहाँ से 60-70 किलोमीटर के एरिया आउटस्कर्ट्स में। तो यहाँ से मान लो आप 65 किलोमीटर बाहर चले जाओ तो पहला कुंड था, फिर आप जंगल में 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर जाओ तो दूसरा कुंड, तीसरा कुंड, और ये सारे कुंड देवी देवताओं के नाम पे जैसे आज है वहीं थे। तो स्वामी विवेकानंद ने उन कुंड में सबने स्नान किया और जब यहाँ पहुँचे तब यहाँ 3 से 4 कुंड थे। तो ये सारे कुंड जो यहाँ बने हैं ये यहाँ के राजा ने बनवाए कि यात्री जब यहाँ पर आएँ तो उनको जंगलों के बीच में ना जाना पड़े, यहीं पर वो स्नान करें टेम्पल के सराउंडिंग के बीच में ही। तो ये चीज़ एक मैंने आपको एज ए फूड फॉर थॉट बताई। अब मैं उसी जगह वापस आ गया हूँ जहाँ पर मैंने सुबह स्नान किया था, मैंने ये जगह वीडियो में आपको दिखाई थी। अब देखो दोपहर का समय है, 3:30 बजे टेम्पल रीओपन होगा, ये यात्री जो यहाँ स्नान कर रहे हैं दर्शन करने चले जाएंगे। टाइमिंग्स की बात करें तो सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक और 3:30 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक टेम्पल ओपन रहता है। सर्दियों गर्मियों में थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है, आधे घंटे 20 मिनट का ऊपर नीचे। अगर आप यहाँ पर 20 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के बीच में आने का प्लान कर रहे हैं तो एडवांस बुकिंग करवा के आइएगा, क्योंकि यहाँ पर एकोमोडेशन आपको नहीं मिलेगी और मिलेगी तो बहुत एक्सपेंसिव मिलेगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है क्योंकि ये पीक पीरियड है, वैसे भी दिसंबर जनवरी पीक है और विद इन दैट 20 दिसंबर से 15 जनवरी। ये मैंने 20 रुपीज़ का बॉटल टेम्पल के अंदर से लिया है, कोड़ी तीर्थम, ठीक है। तो आप यहाँ पर आएंगे तो लेके जा सकते हैं, तो अपने घर में जल का छिड़काव कर दीजिए और घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको ये जल आप पिला सकते हैं। तो ऐसे मैंने अपने और टीम मेंबर्स के लिए सब मिलाकर हमने 8 बॉटल्स परचेज कर ली हैं और ये प्रसाद 30 रुपीज़ का हमने वहाँ से लिया। टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर एक जगह बनी हुई है जहाँ पर आप अपने कपड़े चेंज कर सकते हो, फिर दर्शन करने जा सकते हो। नॉर्थ गेट से आप एंटर करते हो, साउथ से एग्जिट करते हो। नॉर्थ गेट के पास क्लोक रूम में अपने आप कपड़े जमा करवाओ और साउथ से एग्जिट करो, फिर घूम कर वापस आओ, कपड़े लो, फिर दर्शन करने जाओ, ये भी प्रोसेस लंबा है। होटल अगर आपका दूर है तो होटल जाना वापस आना ये फिजिबल नहीं है, तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप टेम्पल के अंदर अपने कपड़े साथ ले जाओ, स्नान कर लो, उसके बाद कपड़े चेंज कर लो। और बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि होटल अपना टेम्पल के पास ही ले लो, जैसे हमने TTDC में अकोमोडेशन ली जो टेम्पल से लगभग 300-400 मीटर के डिस्टेंस पर ही है। तो अब समय हो गया है 2:45 बजे का, बेसिकली दर्शन तो हमारे 1 बजे कंप्लीट हो गए थे क्योंकि 1 बजे टेम्पल बंद हो गया, उसके बाद धीरे धीरे हमने कॉरिडोर विजिट किया। तो अब हम चल के लंच कर लेते हैं, लंच करने के बाद हम पंचमुखी हनुमान मंदिर विजिट करने जाना चाहते हैं जो यहाँ से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो मैं फिगर आउट कर लेता हूँ लंच कहाँ करेंगे और फिर आपको कुछ देर में ज्वाइन करूंगा और ये प्रसाद खा लेते हैं। ये मैं घर पे नहीं लेके जा सकता क्योंकि इसकी जो शेल्फ लाइफ है ना वो 3 दिन की है, मैंने कहीं पढ़ा था, भी लिखा हुआ था।
बेस्ट बिफोर 3 डेज। बहुत बढ़िया, वाह, मजा आ गया। आपको मालूम है पुराने समय में कैसे होता था? पहले यात्री रामेश्वरम धाम विजिट करने आते थे, यहाँ की बालू साथ लेके जाते थे काशी विश्वनाथ मंदिर, और वहाँ पर गंगा जी है ना, गंगा जी में बालू छोड़ देते थे, वहाँ से गंगा जल लेते थे और फिर वापस रामेश्वरम आके अभिषेक करते थे। ऐसा पुराने समय में अक्सर हर यात्री करता था। अब तो ऐसा नहीं हो रहा, और आज की डेट में सच्चाई ये है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने चारों धाम के दर्शन भी नहीं करे हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जैसे 42 की एज में YouTube चैनल स्टार्ट किया, तो चैनल स्टार्ट करने से पहले मैंने सिर्फ एक ही धाम विजिट किया था, वो था बद्रीनाथ धाम। तो चैनल स्टार्ट करने के बाद फिर मैंने बद्रीनाथ धाम दोबारा गया, और अब मेरे इस विजिट के बाद मेरे चारों धाम के दर्शन कंप्लीट हो गए हैं। और वैसे मालूम ही है वैसे सबको, तो जैसे बद्रीनाथ धाम, श्री द्वारकाधीश, रामेश्वरम धाम और श्री जगन्नाथपुरी उड़ीसा, तो ये हिंदू धर्म के प्रमुख चार धाम हैं। तो ऐसा कहते हैं कि हर इंसान को अपने जीवन काल में इन चारों धाम के दर्शन ज़रूर करने चाहिए, एटलीस्ट हिंदू रिलीजन की मैं बात कर रहा हूँ। अत्युत्तम, लंच करने के लिए हम गणेश मेस आए हैं। लैंडमार्क है वेस्ट टावर एंट्रेंस के सामने, ये सामने आप गोपुरम देख रहे हैं, इसके बगल में ये होटल है। अंदर चल के लंच करेंगे। जब मैं यहाँ पे आया था ना, तो उस समय मील चल रहा था, तो मुझे लगा रेस्टोरेंट अभी चलेगा आधा घंटा, तो कह रहे हैं भाई अब फिनिश होने को आया। हाँ जी सर, दे दीजिए। तो अब फिनिश होते होते इन्होंने बोला कि आप फटाफट खा लो, नहीं तो ये पालक भी फिनिश हो जाएगी। चाउ चाउ वैसे फिनिश हो गई है। टोमेटो सब्जी आलू का, अच्छा सब फ्रेश है अभी बन रहा है। ओके ग्रेट। सांभर, दिस इज सांभर। पापड़, थैंक यू। दिस इज साबूदाना पायसम। अच्छा पायसम मेड विद साबूदाना। या लवली। अच्छा बट अच्छा वैसे एक चीज़ बताओ, रसम रसम को लंच से पहले खाना चाहिए कि उसके बाद? नहीं, इन बिटवीन। अच्छा, आफ्टर सांबर। बिकॉज समबडी टेल्स मी कि लंच से पहले, समबडी सेज, पीपल से लंच के बाद। फर्स्ट एक्चुअली स्वीट, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्वीट। स्टार्ट फ्रॉम स्वीट, या। अच्छा, या इंटरेस्टिंग, थैंक्स। ये बड़ी कन्फ्यूजन रहती है, कुछ जगह रसम लंच से पहले लोग खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं रसम, कुछ जगह लंच के बाद एज ए डाइजेशन, और यहाँ ये कह रहे हैं ड्यूरिंग द मील आप रसम इंजॉय करो, स्टार्ट आप स्वीट से करो। देखो ये पालक की इन्होंने सब्जी बनाई है ना, इसमें कुछ भी मसाला नहीं है, प्योर प्योर पालक का स्वाद है। थोड़ा क्या है ना, टमाटर की सब्जी सोचते ही ना हमारे माइंड में एक खटास का एलिमेंट आ जाता है, तो यहाँ पे खट्टे नहीं है टमाटर, छाछ तो पीना ही रह गया, बटर मिल्क। बटर मिल्क स्वाद है, तीखा फुल ऑन है, हरी मिर्च भर भर के डाली हुई है। कुल मिला के आज के इस मील में ना सादगी नंबर 1 है। आलू की सब्जी मेरे को स्वाद आ रही है, टमाटर की सब्जी भी सही थी, हालांकि टमाटर की सब्जी से मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज़्यादा थी, क्योंकि मैं अलग किस्म का टेस्ट एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ये पालक ने तो समा बांध दिया। एक चीज़ है, जैसे हम केरला में सफ़र करते हैं ना, तो मैं देखता हूँ वहाँ पर ना हर दूसरा या तीसरा रेस्टोरेंट आपको वो फूड सर्व कर रहा होगा जो कोकोनट तेल में बना होगा। हाँ, अगर आप बोलोगे मेरे को कोकोनट ऑयल वाला नहीं चाहिए, तो आपको दूसरी आइटम्स बता देगा, लेकिन उनकी मेजॉरिटी आइटम्स में कोकोनट ऑयल है। तमिलनाडु आ जाओ, फूड में कोकोनट ऑयल रेस्टोरेंट में भी नहीं होता, घरों में भी नहीं होता, यहाँ चलता है ग्राउंडनट ऑयल।
क्या कारण है? एक तो ऑब्वियसली ग्राउंडनट की खेती तमिलनाडु में, दैट इज वन रीजन आई कैन थिंक ऑफ, लेकिन दैट में तो कोकोनट भी बहुत है यहाँ पे. रसम एक ऐसी चीज है, 100 रेस्टोरेंट में चले जाओ ना, 100 का स्वाद अलग है, कोई दो कॉमन नहीं होंगे. ये वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है. आमतौर पे आज से पहले जब भी मैंने रसम टेस्ट किया मील के साथ या अदरवाइज ऑल्सो गर्म लिया, ये उतना समय गर्म नहीं है, हो सकता है रेस्टोरेंट अभी बंद होने का टाइम हो गया तो इस वजह से हो सकता है, बट अदरवाइज गुड है, गुड फॉर डाइजेशन. मील फिनिश करके मैं आपको कुछ देर में ज्वाइन करता हूँ, फिर आगे हम पंचमुखी हनुमान मंदिर जाने वाले हैं. रामेश्वरम में लोकल ट्रैवल करने के लिए ना ऑटो बहुत आसानी से मिल जाता है, ऐसे बड़े बड़े ऑटो जिसमें 6-7 लोग एक साथ बैठ जाएं. अभी मैं पंचमुखी हनुमान मंदिर तक आ चुका हूं, तो हम अंदर की तरफ चलेंगे. पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करके मैं बाहर की ओर आ चुका हूं. एक्चुअली में ना ये मंदिर नहीं है, ये आश्रम है. लगभग 450 साल हो गए हैं इस आश्रम को. जैसे आप अंदर जाते हैं ना, तो आप हनुमान जी की एक विशाल प्रतिमा के दर्शन करते हैं जिसके 5 मुख हैं. तो ये प्रतिमा ज़्यादा प्राचीन नहीं है, अंदाज में 15-20 साल पहले ये यहाँ पे मूर्ति बनी है. अंदर की मूर्ति कहते हैं कि 500-600 साल प्राचीन है. और फिर हमने एक और चीज़ नोटिस करी मठ के अंदर ना, इनके पास कुछ फ्लोटिंग स्टोन्स हैं. 1964 में साइक्लोन आया था, तो धनुषकोटी से कुछ स्टोन्स फ्लोट करके रामेश्वरम की तरफ आ गई, अग्नि तीर्थ की तरफ आ गई, तो वहाँ से इनको स्टोन मिली. इन्होंने डिस्प्ले पे दिखाया फ्लोटिंग स्टोन, एक स्टोन कह रहे थे 36 किलो की है, दूसरी 45 किलो की, पानी के ऊपर फ्लोट कर रही है, जबकि उसके सामने इतना छोटा सा पत्थर पानी के अंदर डूबा हुआ है. तो आप वैसे तो जानते ही होंगे कि जब भगवान राम ने लंका पे विजय पाई थी, तो लंका तक पहुँचने के लिए वानर सेना ने पत्थरों का एक पुल बनाया था पानी के ऊपर, तो जिसको राम सेतु के नाम से हम जानते हैं. तो ये राम सेतु स्टोन डेमोंस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे डिस्प्ले पे है. तो 3 या 4 स्टोन तो ऐसे बाहर पड़ी हुई थी, और 2 मैंने पानी के ऊपर, 2 नहीं इनफैक्ट 2 या 3 मैंने पानी में फ्लोट करती हुई देखी, राइट. तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अलग है, आसानी से हर जगह देखने को इस तरह की चीज़ नहीं मिलती. चलिए अब एक काम कर लेते हैं, सनसेट होने में 15-20 मिनट का टाइम बाकी है, तो मैं देखता हूँ नज़दीक में किसी हम तीर्थ को विज़िट कर लें, क्योंकि अंधेरे होने से पहले तक तो हम घूम ही सकते हैं. गाड़ी हमारी कहाँ पर है? शायद उधर खड़ी है. पंचमुखी हनुमान मंदिर के साथ में ही लक्ष्मण तीर्थम है. रामेश्वरम में 64 तीर्थ है, बेसिकली 64 कुंड भी हैं, और जिसमें से 22 कुंड तो श्री रामानाथ स्वामी मंदिर के अंदर है. आज मॉर्निंग में हमने देखे, तो जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ सामने बड़ी सी पार्किंग है, और इस तरफ को तीर्थ है. तो ये जो कुंड है ये लक्ष्मण कुंड के नाम से जाना जाता है, और ये जो तीर्थ है ये लक्ष्मण तीर्थम के नाम से जाना जाता है. तो बेसिक मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, जब भी भगवान राम लक्ष्मण श्रीलंका से यहाँ पे लौटे ना, तो यहाँ पर आने के बाद भगवान राम ने पश्चाताप किया भगवान शिव की पूजा करके और लिंगम की पूजा करके, जिसके दर्शन आज हमने टेम्पल में करे. ऐसा कहते हैं लक्ष्मण भगवान ने यहाँ पर पूजा करी कि मुझे भी पापों से मुक्ति मिले, इसीलिए उनके नाम से ये तीर्थ है. आइए जी अंदर चलेंगे. मंदिर के गर्भगृह के अंदर जाकर अभी हमने शिवलिंग के दर्शन करे. ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर शिवलिंग आदि काल से है, जैसे श्री रामनाथ स्वामी टेम्पल में हमने देखा, तो उतना ही प्राचीन यहाँ पर शिवलिंग है. और लक्ष्मण ने यहाँ पर भगवान शिव की पूजा करी कि मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिले. बाहर की तरफ फोटो वीडियो कर सकते हैं, लेकिन मेन टेम्पल अंदर की तरफ है, और कुंड आप ऑलरेडी देख चुके हैं जो मैंने आपको बताया लक्ष्मण कुंड के नाम से जाना जाता है. अब और 5-7 मिनट में सनसेट हो जाएगा, तो हम एक काम करते हैं, आज के दिन की जर्नी ना यहीं पे एंड कर देते हैं. कल हम लोग धनुषकोटी जाएंगे और बाकी और जो रामेश्वरम के स्पॉट्स हैं कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉट्स हम कल के दिन में विजिट कर सकें, क्योंकि परसों हमें रामेश्वरम से थंजावुर जाना है, तो हमारे पास कल का एक पूरा दिन है, राइट. चलो आज मैं आपको यहीं पे बाय बाय कर रहा हूँ.
जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर योर टाइम।